ये पकड़ अपने 50 रुपल्ली, रोज ताने मारती रह गए। ये तो 2 साल पहले लिए थे तूने, और इससे भी 3 साल पहले जो 100 रुपए लिए थे वो कब देगा? कते हिसाब की पक्की हो रही है चुगल छोटी। ये पकड़ अपने 100 रुपए, जा मौज मार। मैंने मंदिर में 100 रुपए रखे थे देव देवताओं के उठाने के, किस भिखारी औलाद ने लिए? मुझे फसवा गया चोर चोटा। भाई सुन, मुझे ट्यूशन छोड़ा। बाइक का तेल खत्म हो रहा है, और कदी कदी अपने इन घुटने इनको भी चला लेकर। हाँ आ रही हूँ यार, और तू क्या बता रही थी? मेरा भाई तेरे पीछे वाली गली में बहुत चक्कर लगाता है, जिस गली में रितु मैम रहती है। अच्छा टंकी फुल है कतई, आजा आजा। ए ट्यूशन से कहीं भी तुझे मोड़ाऊं, तू कहे तो तुझे सिंगापुर कनाडा भी छोड़ाऊं। आजा आजा, ए दही बल्ले भी खिलाऊंगा रस्ते में, पर मैडम वाली बात ना पापा तक न जानी चाहिए। भैया पैसा न है पास, मेला तो लगे गई उदास, तो है तो सुबह री सांझ दोपहर रात हर टाइम पार्टी चाहिए। और यू कैसी बदबू आ रही जैसे टिड्डा मर गया हो। ओ तो आज बहन जी ने भोजन पकाया है। मैं क्या कह रहा था, तो दावत चाहिए ना, मेरे घर आ जा। भैया कैसे लगा खाना? यम्मी। अरे मतलब अगले के मुंह में पानी आ गया, इतना टेस्टी खाना बनाया। मतलब बहन तू तो ऐसा खाना बनावे है ना एकदम उल्टीदार, मतलब मजेदार। तू अपने काम से काम रख। भैया आप बताओ ना कैसा है खाना? और ले ले दावत। मम्मी मुझे ना स्कूटी दिला दो। ए कैसे आदमी इनको उड़ाएगी क्या रोड पे? इस पे भी तो बाइक है। मैं ना बाइक ना कॉलेज में आके मिली है, वासु पहले हमने भी बसन में ही धक्का खाए। जब बस नू चले करी ना तो लोगों के पसीना मुंह पे आके लगे करी। बात बना रही है दुनिया भर की, सुबह री उठ के भैंस को न्यार करना, भैंस को नहवानो, तू क्या करे? स्कूल जावे, खावे और सोवे। जब मम्मी बीमार पड़े है ना, झाड़ू पोछा रोटी सब मैं बनाऊं। चार चार दिन तक नाती ना है, बालन में जूगी पड़ी है। मम्मी मैं क्या कह रहा हूँ तुमसु, तुम यू स्कूटर बिकवाओ, अरे एकदम नई गाड़ी लेंगे भाई, सुझा करेंगे हर जगह। अरे मम्मी मुझे नया फोन दिला दो। मुझे फर्स्ट ईयर में मिला है फोन, 11वीं में ही फरमाइश चल रही है मम्मी यहाँ की, यू लोंडिया गई आजसू, बता रहा हूँ मैं। चुप कर ढोर कहीं का। तू चुप रह चुगल चोटी। आप तो डर ला तुम्हारा स्कूटर पे, तुम्हें फरारी के शौक चढ़े, चक्कू मारूंगे पेट में। जब मेरी सहेली आवे है तू मेरे कमरे में बहुत आवे, सुधर जा। वो तेरी सहेली ए सिलबट्टा से मुंह की, उसके मारे आऊंगा ए हट ये कोड को बांधी लौंडिया। सहेली 9 बॉल के बाद वाइड, आमिर भड़ाना दिस साइड। आ गया बेशरम। भाई बाइक से जा रहा है, ले 10 रुपए तेल डलवा लियो, बेचारे पे पैसे ही ना रहते। वैसे इसकी इज्जत बहुत है घर में, पापा इसे कुछ देने के नाम पे चप्पल देते हैं, दर्द होता होगा। और मम्मी बेल्ट मुंह ही मुंह पे। अब नहीं आएगा। तेरी लौंडिया, तेनो पड़ोस वाले की लड़की गेल कैसे लड़ाई कर दी? पापा मजाक उड़ा रही थी, कह रही सरकारी स्कूल में पढ़ते हो देसी हो। मैंने भी पकड़ के उसकी चुटिया और कर दी कुटाई, दिखा दिया देसी बना। ओ पापा रे मेरी नाड़ गई हो। और तू जब दोनों लड़कियों की लड़ाई हो रही थी उन्हें छुटाने से तो गया उसका भाई और पीट दिया। ए पापा तुम नो बताओ, मेरी बहन की लड़ाई हो रही, अब मैं लड़की इनकी लड़ाई में घुसूंगा क्या? ओ मुझे दूर से उसको भाई दिख गया, मैंने पकड़ी बाकी नाड़ धास दिया जमीन में, दिखा दिया देसी बना। वो दोनों के दोनों कत्ते ब्लॉक लेंसर हो रहे हो। ए पापा तुमने भी तो पिछली होली पे वाके पापा को मारा है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? भूत कितनी बार बोला बिना मेकअप के मत आए कर यहाँ। मजाक छोड़, किसी को ना मेरा नंबर मिल गया है और बार बार फोन करके तंग कर रहा है। हेलो
हेलो, कौन? इंस्पेक्टर बीरपाल, मिनटों में कर दूंगा चीरफाड़। सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। थैंक यू भाई। मधु आ रही है, नहाती है ना? ए मम्मी, अरो कदी मुझे 1,000-2,000 रुपया भी दे दे करो, तुमने तो कतई मुझे गरीब का बच्चा बना रखा है। आखिर जैसा भी है तो मेरा भाई। यार कल रात पिताजी ने चप्पलन सु मार मार के मेरी कोक सी भर दी। विकास के जन्मदिन सु थोड़ा सा लेट का होगा, बहन ने घर में सब जगा दिए। यूं तो बहन के नाम पे मेरी राशि में शनि आके बैठ गा। तो तू भी फंसा देना अपनी बहन को। तूने कैसे बोला मेरी बहन के बारे में? तू बोल रहा था तो मैंने भी थोड़े हाथ साफ कर लिए। तुझे बनाऊ पंच? मेरी बहन के बारे में कैसे बोला तूने? जूता संतरी बनाऊ मंत्री बहन के बारे में? अबे ओ, मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोल दियो, नहीं तो दांत तोड़ दूंगी तेरे। ऐरा गैरा ना है, वो भाई है, मेरा भाई है। चल फोन काट। अरे मम्मी, आज जन्मदिन है, कम से कम आज तो एक जोड़ी सलवार सूट दिला दो। हैप्पी बर्थडे बहन जी। भाई नीचे जा रहा है ना, मोटर बंद कर दियो। कौन जा रहा नीचे? मैं तो यू बैठ गया, अपने इन घोड़े ने थोड़ा सा चला ले। जा, मोटर बंद करिए। सुबह ना मैं ही बंद करके आई थी। अरे तेरा काम का पापा सु फोन छिनवा दूंगा झूठ बोल के, क्योंकि पापा पूरी रात फोन में लगी रहे। वे भाई मैं करके आऊंगी मोटर बंद, और तेरे लिए नींबू पानी भी बना दूंगी, पर फोन के साथ मजाक नहीं प्लीज। ये कमरा किसने गंदा करा? आकांक्षा ने। रसोई में चाय किसने बखेर रखी है? भाई ने। अरे बाथरूम? आकांक्षा ने। अरे टीवी? भाई ने। ये फ्रिज में से बोतल कितने खाली कर रही है? मेरा नाम मत ले दियो। और तू भी मेरा नाम मत ले दियो। ऐसा करो पापा को फंसा दो। पापा ने। अब की साल बंद वाले यहाँ से राखी, अगली साल तो ससुराल से ही आएगी। अब तो इसने 12वीं भी कर ली, अगली साल इसके हाथ पीले करा के हम भी गंगा जी नहा लेंगे। तो इससे भी पूछ लो इसको क्या करना है। 19 साल की उम्र में तुम इसकी शादी करना चाहते हो? है अभी इतनी है समझदार? क्या उठा पाएगी शादी की जिम्मेदारी? दुनिया में लड़कियां मेडल ला रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, IAS IPS बन रही हैं, और तुम लोग पागल बन रहे हो। हर चीज शादी नहीं होती, शादी से ऊपर भी कुछ चीजें हैं, जिनमें एक चीज अपनी औलाद की कामयाबी भी आती है, चाहे औलाद लड़का हो या लड़की। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, कर लो इसकी शादी। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सामने वाले कुछ दहेज की मांग करेंगे जो दहेज हम दे नहीं पाएंगे, और फिर जब वो दहेज हम दे नहीं पाएंगे इसकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो ससुराल वाले इसको बहुत परेशान रखेंगे। फिर ये तुम्हें वहां से कोसती रहेगी, और तुम लोग ना कभी इससे नजर नहीं मिला पाओगे। इससे बढ़िया इस लड़की को कामयाब कर दो, रिश्ते खुद चल के घर पर आ जाएंगे। थैंक यू भैया। अच्छा बेटा, सिंगिंग पसंद है ना तुम्हें? कल से तुम्हारी सिंगिंग क्लास शुरू। लव यू भैया। बदबू आ रही है, नहाती भी ना है। मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है। मैं भटकता, तू मेरा सम्मान है, तुझसे ही मेरे सारे अरमान है। ऐ बहन, तेरी खुशी के लिए 100 जन्म भी कुर्बान है।